फातिमा गोल्ड सिटी, 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 फातिमा गोल्ड सिटी। सबसे पहले तो मैं आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ और खुसूसन बादल पालारी साहब और रुकू साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इस प्रोग्राम की अरेंजमेंट करने में हमारा साथ दिया, उनका बहुत शुक्रिया। जितने भी इन्वेस्टर्स, स्टेट डीलर्स, स्टेट एजेंट्स और क्लाइंट्स यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनके आने का भी बेहद शुक्रिया है कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई की। फातिमा गोल्डन सिटी का ये प्रोजेक्ट बाबू भाई की मरहूने मिन्नत है, जिस तरह से उन्होंने जमीन खरीदने के तमाम मामलात में हमारी रहनुमाई की और मदद की, और आइंदा भी डेवलपमेंट और डॉक्यूमेंटेशन के तमाम मामलात में हमें अपनी रहनुमाई का यकीन दिलाया, जिससे मुझे और मेरी टीम को हौसला मिला और हमने इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि इस प्रोजेक्ट को मैं और मेरी टीम देख रहे हैं और इसकी कामयाबी का दावेदार अल्लाह ताला की मदद के बाद आप हजरात के तावन से ही मुमकिन हैं। तो जिस तरह आपने बाबू भाई का साथ दिया, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा भी भरपूर साथ देंगे। फातिमा गोल्डन सिटी की तफसीलात के हवाले से मैं इस बात का जिक्र करता चलूं कि महंगाई के इस दौर में आम आदमी का यकमुश्त रकम अदा करके प्लॉट खरीदना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने सोचा कि इसको 4 साल की आसान महाना एक साथ पर इसका शेड्यूल रख लें, तो उससे ये होगा कि आम आदमी भी इस प्लॉट को खरीद सकता है।
प्रोजेक्ट की कामयाबी के हवाले से और इन्वेस्टर्स हजरात को फायदा हो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को इसका नक्शा जल्द से जल्द दे दें और इसकी पोजीशन चार साल में यकीनी बनाएं। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ जो खसूसियात हैं मैं उसका मुख्तसरन जिक्र करता चलूं कि इसका जो मेन रोड हम रखेंगे अंदर सोसाइटी का वो 80 फीट का होगा। इसके अलावा इसमें दो बड़े पार्क्स बनाएंगे जिसमें बच्चों के लिए तफरीही झूले भी होंगे, बच्चों के लिए इंडोर गेम्स प्लेग्राउंड्स और बड़ों के लिए जिम भी हमारी प्लानिंग में शामिल है। इसके अलावा आप तमाम हजरात की तरफ से आने वाले मुफीद मशवरों का हम खुले दिल से खैर मकदम करेंगे। इसमें आप हजरात का ताउन हमें दरकार है। जिस तरीके से आप लोगों ने बाबू भाई के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और उसमें वर्किंग की, इसी तरह मेरा भी साथ दें और इस प्रोजेक्ट के हवाले से और यानी जो हमारी ख्वाब है और उसकी तारबीर पाने के लिए आप तमाम हजरात का साथ बहुत जरूरी है और वो हमारा कीमती असासा है। आखिर में मैं आने वाले तमाम मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।